नमस्कार। कक्षा 11 की सिलेबस में अपने चल रहे थे और डे 73 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर संख्या 6 चल रहा अपना वर्क एनर्जी और पावर। वर्क के बारे में पढ़ लिया हमने, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, पावर के बारे में पढ़ लिया था और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोलिजन जो इम्पैक्ट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो भी हमने कर लिया। अब एक दो छोटी छोटी बातें बच रही हैं, एक दो डेफिनेशन ही कह सकते हैं हम लोग, बस वो हम आज कर लेते हैं और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे है। अब हम इसे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे अप्रत्यक्ष टक्कर। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, ये बात है। भी अगर टक्कर से संबंधित कोलिजन से संबंधित अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो नॉर्मली यहीं से आते हैं, ठीक है। हर टॉपिक की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, वो अगर हमें पता रहे भी इस कहाँ इससे क्या किस तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, क्या यूज है इसका, कहाँ पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो हम उसी वे में उसकी तैयारी। यानी हमने पढ़ लिया लेकिन हमने इसके न्यूमेरिकल नहीं किए, तो ये मान लो कि हमने कुछ नहीं किया। अगर आएंगे न्यूमेरिकल इसमें से, लेकिन हमने तो थ्योरी पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, न्यूमेरिकल करके नहीं देखे तो उस समय गलत हो जाए। अब देखो पहली बात तो है क्या, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतया प्रत्यास्थ क्या होती है कि ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के बाद में कर्ण जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ऐसी टक्कर जिसमें कर्ण टक्कर के बाद आपस में चिपक जाते हैं उसको कहते हैं पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, बाकी अप्रत्यास्थ है तो बाकी तो वही बात है, टक्कर से पहले ऊर्जा जो है बराबर नहीं रहती है, लेकिन टक्कर से बाद और पहले में संवेग जो है वो क्या रहता है, वो बराबर रहता है। यानी संवेग हमेशा सभी में संरक्षित रहता है। पता ना ये बात हम पहले कर चुके हैं, अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ की पहले हमने डेफिनेशन करी थी, इसे एक दो क्लास पहले हमने करी थी और फिर हमने टक्कर के बारे में पढ़ा था कि प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जब हमने इनको डिफाइन किया था सबसे पहले तब हमने बात की थी प्रत्यास्थ वो होती है जिसमें टक्कर से पहले और बाद में संवेग और ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। संवेग भी वही रहता है बाद में और ऊर्जा भी वही रहती है, बदलती नहीं है। टक्कर से पहले कणों की ऊर्जाओं का योग टक्कर के बाद की कुल ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है, ऐसे ही कुल संवेग का कुल योग बाद के संवेग के कुल योग के बराबर होता है। लेकिन अप्रत्यास्थ में क्या होता है, संवेग तो बराबर रहता है, संवेग संरक्षित रहता है हमेशा, लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है, इसलिए उसको अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो जब ये अप्रत्यास्थ वर्ड आ रहा है तो है तो ये अप्रत्यास्थ ही, लेकिन पूर्णतया अप्रत्यास्थ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कण जो है वो टक्कर के बाद में एक ही कण की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन कहीं ऐसी कंडीशन हो सकती है, हो सकती है इसी में बहुत हम डेली टू डे में खूब देखते हैं ऐसी कंडीशन। सामान्य क्या देखते हैं, जैसे कंचे एग्जांपल अपन लेते हैं तो वो क्या रहते हैं, पूर्णतया अप्रत्यास्थ नहीं होते। हमने कंचे को मारा, चोट किया, एक को एक इधर से लगा, एक इधर से लगा, तो वो एक साथ तो नहीं हुए ना। लेकिन अगर हम यूं कहें कि किसी एक खंभे पर बंदर बैठा है या किसी एक पेड़ पर बंदर बैठा है और वहां से कोई ट्रक जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे केले भरे हुए हैं और जैसे ही वो ट्रक वहां से जाता है तो बंदर उछल के ट्रक में कूद जाता है, कूद जाता है। अब क्या हुआ, टक्कर हो गई ना, आगे टकराया, वो टक्कर हो गई, वो अप्रत्यक्ष टक्कर है। दूसरी बात, पूर्णतः है या नहीं है, पहले टक्कर का द्रव्यमान अलग था, बंदर का द्रव्यमान अलग था, अब टक्कर के बाद में बंदर की स्पीड कौन सी स्पीड है, अपनी स्पीड से, जिस स्पीड से कूद के आया था उसी स्पीड से जा रहा क्या वो, तो बैठा था मुझे केले खा रहा, अब किस स्पीड से जा रहा है वो, अब और बंदर की स्पीड कितनी है, बंदर की स्पीड जो ट्रक की स्पीड है वही बंदर की स्पीड है, जीरो जीरो जीरो। कैसे जीरो का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई पार्टिकल ने गति नहीं करी है, वो वही की वही है, ठीक है। अगर वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पहुंचा ट्रक तो बंदर भी कहाँ पहुंचा, तो फिर जीरो के बंदर की स्पीड भी वही स्पीड होगी जो किसकी स्पीड होगी, इसका मतलब है दोनों एक ही तरह बिहेव करने लग गए। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से, हम उस पर भी बात करेंगे बाद में। एक कोई रेत का थैला भरा हुआ, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी जाती है, रेत का थैला भरा हुआ, कोई
बंदूकधारी बंदूक चलाता है, गोली चलाता है, और वो गोली उसके अंदर जाके धस जाती है और अंदर जाके रुक जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति में टक्कर से पहले क्या हो रहा है, थैला अलग रखा हुआ है, ठीक है, या रेत से भरी ट्रॉली जा रही है उसमें गोली चलाई जाती है, होगी ना दोनों अलग अलग स्थितियां। पहली स्थिति में देखो क्या है, पहली स्थिति में थैला रखा है उस पर गोली चलाई जाती है, तो थैले का जो वेग है वो क्या जीरो है, उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, दे दिया जाएगा भाई 10 किलो रेत से भरा हुआ थैला है तो उसका द्रव्यमान 10 किलो हो गया, इधर से गोलियां दे दिया जाएगा भाई 50 ग्राम की गोली है वो चलाई जाती है, उसकी स्पीड दे दी जाए कितनी है या उसकी स्पीड बताओ कितनी है, तो वो जब अंदर घुसेगी तो धीरे धीरे वो क्या आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी, तो टक्कर के बाद में उसका जो वेग है वो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो। ठीक है, तो किस स्पीड से गई, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनको सोल्व करने के लिए हम पहले फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे। दूसरी स्थिति, ऐसी एक रेत से भरी हुई ट्रॉली है उसके अंदर गोली दागी जाती है, तो क्या हो गया, टक्कर से पहले ट्रॉली का भी वेग है, जा रही है ना वो, रुकी भी नहीं है, और गोली का भी वेग है वो भी चलती आ रही है, दोनों का वेग है वहां, है ना, यू दोनों का वेग है, लेकिन जब बाद में क्या होगा, बाद में दोनों गोली उसके अंदर जाके रुक जाएगी, और बाद में गोली किस स्पीड से जा रही है, ट्रॉली की स्पीड से जा रही है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों की स्पीड सेम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। आगे ना समझे, हमने छत पे खड़े एक पत्थर फेंका, उधर से बस जा रही थी कोई, या कोई गाड़ी जा रही थी, या कोई ट्रॉली वगैरह जा रही थी, तो वो उसके अंदर जाके गिर गया, तो उसके अंदर जाके गिर गया, तो बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई, उस ट्रॉली की स्पीड थी वही, उस ट्रक की स्पीड थी वही हो गई, ठीक है, और हमारे और पहले जो स्पीड थी, हमने जो फेंका था वो उसकी स्पीड से फेंका था क्या, तब स्पीड अलग थी, पहले की स्पीड अलग अलग होती है, बाद में स्पीड एक ही हो जाती है, सिंपली ये कह सकते हैं बाद में जो दोनों कण है वो एक ही कण की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, बाद में दोनों कण एक ही कण की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं, एक लकड़ी का गुटका लटका हुआ है, उसका द्रव्यमान इतना 3 किलो है, उस पर एक गोली दागी जाती है जो 50 ग्राम की है, तो वो उसके अंदर जाके 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक जाती है, तो बाद का वेग पता चल गया ना कितना है, फिर पहले का वेग पूछ लेते हैं, उसमें कोई एक बात पूछ लेंगे बाकी सारी बातें दे दी जाएगी, फॉर्मूला क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो पूर्णतया प्रत्यास्थ क्या, टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ है तो ये आपकी पढ़ी हुई है देख लेना, और दूसरी बात पूर्णतया प्रत्यास्थ है इसका मतलब क्या है, ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात कण आपस में चिपक जाते हैं, तो ये M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण हैं, U1 और U2 इनका वेग। टक्कर से पहले की स्थिति हम लेते हैं, देखो अगर ये समझ में आ जाए तो अपने को फॉर्मूला अपने आप ही निकल जाएगा, टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों कण आपस में चिपक गए, अब द्रव्यमान M1 M2 रहेगा क्या, इनका द्रव्यमान तो वही है लेकिन अब द्रव्यमान अलग अलग नहीं लेना है हमें, क्योंकि दोनों चिपक गए तो दोनों का वेग एक ही होगा, तो V1 V2 नहीं होगा यार, क्या होगा, V1 V2 कब होता है, जब अलग अलग जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं तो स्पीड भी तो एक ही है, अगर एक ही बाइक पे दो लोग बैठ के जा रहे हैं तो क्या अलग अलग है क्या उनका वेग, वही स्थिति है, तो एक ही बाइक पे दो पार्टिकल जा रहे हैं तो उनका स्पीड जो है उनका वेग जो है वो एक ही रहेगा V, और इसी स्थिति में इनके द्रव्यमान को M1 प्लस M2 लिखेंगे, न कि M1 M2 अलग अलग लिखेंगे, यहाँ अलग अलग है वहाँ अलग अलग नहीं है, दोनों का योग हो गया वही कुल द्रव्यमान है, चाहे उसमें एक बहुत भारी है दूसरा बहुत छोटा सा कण है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही रहा है वहाँ, उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, नगण्य नहीं मान सकते उसको, उसको वहाँ लेना पड़ेगा, इफेक्ट रहेगा उसका। तो अब देखो इनमें समीकरण क्या बने, ऊर्जा संरक्षण की तो लगती नहीं है यहाँ, लगती नहीं है तो काम भी नहीं आएगी, कैलकुलेशन जितनी भी न्यूमेरिकल्स में होगी वो संवेग संरक्षण से ही होगी, तो संवेग संरक्षण लगता है इसके अंदर क्योंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है, संवेग संरक्षण लगता है, संवेग संरक्षण से क्या होगा, क्या होगा इसका संवेग क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 और टक्कर के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 into V। नॉर्मली पूछ लेते हैं क्या वेग होगा टक्कर के बाद में, क्या दोनों कण किस वेग से गति करेंगे, दोनों कण
ठीक है, जैसे एक लकड़ी का बक्सा अगर लटका दिया जाए तो पहले तो उसका वेग जीरो है, ठीक है। अभी पहले सोल्व करते हैं, फिर कंडीशन लेते हैं, v का मान निकालें, तो v का मान क्या आएगा, m1 plus m2 divided में चला जाएगा, तो m1 u1 plus m2 u2 divided by क्या आएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, भी आप इसका ध्यान रख लें, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर ये पता है तो हम निकाल सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे एक मिनट ही लगेगा, ठीक है। एक दो बार जब निकालेंगे तो याद हो जाएगा, यूज करना जरूरी है, जब यूज कर लेंगे तो बिल्कुल याद भी हो जाएगा, समझ में निकालना भी आ जाएगा, फिर इन फ्यूचर दिक्कत भी देगा। अब देखो, अब इसमें बात करते हैं जो कंडीशन में बता रहा था कि अगर आपको ऐसी स्थिति दे दी जाए, एक लकड़ी का बक्सा है, इस पर एक गोली चलाई जाती है और गोली इधर जा रही है, तो टक्कर से पहले गोली का वेग यू वन हो गया और इसका जो वेग है यू टू बराबर क्या हो गया, लटक रहा है ना ये, तो एकदम ऐसे लटका हुआ, ऐसे जैसे जिम में वो थैले नहीं लटके हुए, ऐसे पर वो लगे बॉक्सिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां क्या क्या स्थिति है, इसका वेग जीरो है, इसका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा, दे दिया जाएगा, जैसे मान लो इसका द्रव्यमान 3 kg है, इसका द्रव्यमान दे दिया मान लो 0.05 kg है, केजी में दे दिया या ग्राम में दे दिया, तो केजी में चेंज कर लो, 1000 का डिवाइड कर दो, अब क्या होगा, अब यू आ गया, आगे की स्थिति, ये गोली से आगे टकराती है और इसके अंदर जाती है, 10 cm अंदर जाके रुक जाती है, बताओ अब लग बक्से का वेग क्या होगा, तो बक्सा लटक रहा है, ज्यादा भारी नहीं है, गोली लगेगी तो बक्सा भी आगे जाएगा ना, जाएगा आगे, बाद में वो बात अलग है कि बाद में धीरे धीरे हिल हिल के और बाद में विराम अवस्था में आ जाएगा, उसकी भी बात हम बाद में करेंगे सेकंड बुक में, कि वो क्या स्थितियां होती है, अभी हम यहाँ नॉर्मल ये बात कर रहे हैं, तो इसी स्थिति को सोल्व कर रहे हैं केवल, कि वो जैसे गोली यहाँ टकराएगी तो ये भी तो ऐसे जाएगा आगे, तो ये जाए, अब क्वेश्चन ने पूछा गया ये किस वेग से आगे जाएगा, तो किस वेग से, बाद में इस गोली जब इसके अंदर चली जाएगी तो इन दोनों का वेग एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो ये जो जिस वेग से आगे जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, यू वन चाहिए, इसके लिए दे दिया जाएगा कि ये मान लो 10 m/s या 5 m/s के वेग से आ रहा है, ठीक है, 5 m/s के वेग से आ रहा है, तो U1 दे दिया, U2 लिखा हुआ नहीं जाएगा, सब कुछ नहीं लिखा होगा वहां कि ये जीरो है, ये इतना है, जो वैल्यू जो स्थिति से पता चलेगी वो हमें स्थिति से देखनी है, जैसे इसको देख के पता चल जाएगा कि एक बक्सा लटक रहा है, लटक रहा है तो उसका वेग क्या है, जीरो, तो वहां लिखा नहीं जाएगा लटक रहा है तथा इसका वेग जीरो भी है, तो फिर अपने क्या करेंगे, सारा तो वही, ठीक है, तो यहाँ अपने को वहां देखना पड़ेगा, हमें उस लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें पता चल जाएंगी, दिक्कत नहीं है। तो U2 का मान आपको सारी बात दे दी, यहाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, लिखें तो आप बाद में लिख लेना, और अब आपको क्या दे दिया, U1 का मान दे दिया 5 m/s, U2 का मान हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चल गया कि बक्सा लटक रहा है तो जीरो है, M1 का मान हमें पता है दे दिया क्वेश्चन में, और M2 का मान भी हमें दे दिया कितना है, 3 kg है। अब हमें बताना है कि बक्सा किस वेग से आगे जाएगा, अगर ये पूछ ले गोली किस वेग से आगे जाएगी, तो दोनों का वेग एक ही है, किसी का नाम लिख दे चाहे, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए कैसी टक्कर ये है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, तो यहाँ मान रख दो, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहा है, तो यहाँ गुणा कर दो, एम वन यू वन है ना, तो एम वन का मान कितना है 0.05 और यू वन का मान कितना है 5, प्लस एम टू यू टू, एम टू और यू टू का मान क्या है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो क्या आएगा 3 kg प्लस 0.05 kg, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, 1.25 आ जाएगा, 0.25 और 3.05 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ ऊपर 2 0 आ जाएगी, भाग दे दो, नॉर्मल कैलकुलेशन, इससे जो उत्तर आएगा वो m/s में, क्लियर। तो टॉपिक सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, तो जनरली अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या वो पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन ही ऐसी दी जाएगी कि गोली उसके अंदर घुस के रुक गई है, या ऐसी स्थिति होती है कि दोनों पार्टिकल एक साथ गति कर रहे हैं, तो आपको वहां लिखा नहीं होगा कि ये पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर है, वो लैंग्वेज हमें बता देगी कि ये पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो फिर हमें उसी के कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको करके देख लें, बाकी फिर हम बात करें।